परमेश्वर के नाम की महिमा हो सबको, जय मसीह की। आज हम देखेंगे यूसुफ और उसके भाई। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव पर हम आ गए हैं और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 37:1-11 आयत तक, यूसुफ और उसके भाई। ये जो किस्सा है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही प्रचलित है, मशहूर है बाइबल का। और उसके बाद यूसुफ का बेचा जाना इसी का एक पहला हिस्सा है। तो बड़े ही ध्यान पूर्वक आज के इस 5-7 के वीडियो को आप सुनिएगा, देखिएगा, ताकि बाइबल की जो मेन जो बातें हैं उनको आप आसानी से समझ सके। हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय, पहली आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे, यूसुफ और उसके भाई। याकूब तो कनान देश में रहता था। याकूब कहाँ रहता था? कनान देश में रहता था। याकूब इस समय कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और इसी कनान देश के अंदर याकूब का पिता है कौन था? इसहाक, जो कि परदेशी होकर आया था। यहीं पर याकूब रहता था और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। और याकूब का जो वंश है, पहले उसका वृत्तांत हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। जब 17 साल का हो गया था, उस समय यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरी चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्ला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। और ये जो था यूसुफ, ये इसके जो पिता की जो पत्नियां थी, एक का नाम बिल्ला और दूसरी का नाम जिल्पा था, इनके साथ रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। तो जो यूसुफ है, जिसकी उम्र 17 साल है, इसकी एक विशेषता थी कि ये इसके भाई जो इसकी दूसरी माओं से पैदा होते, इसकी मौसियों से पैदा हुआ थे, उनकी शिकायतें हैं वो अपने पिता के पास पहुंचाया करता था और बार बार पहुंचाता था, और इस कारण में इससे जलिस रखने लगी। तो यूसुफ की एक कमजोरी थी कि ये चुगलियां करता था और बार बार में जो भी गलतियां करते वो अपने पिता को, याकूब को ये बता देता और याकूब इनको फिर डांट लगाता, झाड़ लगाता। इसी कारण इसके भाई हैं इसके एक प्रकार से दुश्मन बन गए थे, इसको पसंद नहीं करते थे। इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्यार रखता था, और जो इजराइल है वो अपने सारे पुत्रों में सबसे ज्यादा किससे प्यार करता था? यूसुफ से प्यार करता था। बाकी जो उसके बेटे थे उनसे प्यार नहीं करता था। इसराइल का मतलब यहाँ पर आप समझिए याकूब। याकूब है एदोम, जो याकूब है उसी का नाम अब इसराइल है, और हम इसी के बारे में अभी देख रहे हैं। और यहाँ पर एक दो दो मिस्टेक साथ साथ चल रही है, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम मिला। एक तो जो इसराइल है, जिसका नाम याकूब भी है, जो अपने बेटों में से सबसे ज्यादा प्यार किस करता है? यूसुफ को। बाकी जो बेटे हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और दूसरी गलतियां क्या थी कि ये जो दूसरे बच्चे थे, इनकी शिकायत है वो यूसुफ है वो अपने पिता इसराइल को बार बार कर देता था। तो ये दो बातें हैं, वे जो बेचारे लड़के हैं जो कि बिल्ला और जिल्फा से पैदा हुए हैं, जो कि यूसुफ के मौसी के लड़के हैं, उन्हें वे बेचारे अकेले से पड़ गए हैं और इसी कारण ये यूसुफ को अपना दुश्मन समझने लगे हैं और यूसुफ से प्रीति रखता है, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और ये आप देखते हैं कि यूसुफ के जो यूसुफ है वो इसराइल के अर्थात याकूब के बुढ़ापे में पैदा होता है, इसलिए भी इसको बहुत प्यार करता है। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया और अपने बेटे से क्योंकि बहुत प्यार करता था, इसलिए इसने विशेष रूप से एक बढ़िया सूट है वो अपने बेटे के लिए सिलवाया, यूसुफ के लिए सिलवाया। किसने सिलवाया? इजराइल ने। इजराइल मतलब याकूब ने। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता, तब वे उससे और भी बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। और जब सब भाइयों को उनको लग गया कि ये जो पिता है ये भी काम का कोनी, ये भी इसने सिर पर चढ़ा रखा है यूसुफ ने, और हमारा भाई है यो भी काम का कोनी, यो भी हमारी शिकायतें बार बार कर देता है, तो ये जो ये लड़के हैं इससे बहुत ज्यादा है वो दुश्मनी करने लगे। और यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। यूसुफ ने एक रात एक सपना देखा और बड़ा ही डरावना सपना देखा,
और इसका जिक्र अपने भाइयों से करता है। तब उसे और भी तवेज करने लगे, और जब उसने सपन बताया तो वो जो भाई से नफरत करते थे उसमें और भी ज्यादा वृद्धि होगी, और भी ज्यादा उससे नफरत करने लगे। तो यूसुफ ने उनसे कहा, जो सपन मैंने देखा उसे सुनो। और यूसुफ कहता है कि मैंने जो सपना देखा उसको तुम लोग सुन लो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। और यूसुफ सपना बता रहा है कि देखो ऐसा सपना आया कि हम सब पूले बांध रहे हैं, सारे के सारे भाई है आपस में पूले बांध रहे हैं, और उनमें से मेरा पूला अपने आप ऑटोमेटिक खड़ा हो गया और सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया, और जैसे ही मेरा पूला खड़ा हो गया तो बाकी चारों ओर से तुम्हारे जो पूले थे वे भी खड़े हो गए, और वे खड़े होकर सारे पूले उन्होंने मुझे प्रणाम, मेरे पूले को प्रणाम किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? तो उसके भाई है बड़े समझदार थे यूसुफ के, उन्होंने कहा कि इसका तो ये मतलब होता है कि तू हम पे राज करेगा और हम तेरे अधीन रहेंगे, हम तुझे सलाम किया करेंगे, हम तुझे प्रणाम किया करेंगे। क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तो इस प्रकार का जो बुरा सपना, खतरनाक सपना देखा, जिसके अंदर की उजागर किया गया था कि वो बड़ा होकर उनके ऊपर शासन करेगा, उसके भाई और भी उससे नफरत करने लग जाते हैं। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, और थोड़े से दिन के बाद यूसुफ ने एक और सपना देखा और उसका वर्णन भी अपने भाइयों से किया। क्या सपना देखा? वो बोला, सुनो मैंने एक और सपना देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो इस बार तो उसने बड़ा और खतरनाक देखा। वो कहता है कि सूर्य चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इस सपन का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपन है जो तूने देखा है? तो अपने भाई को भी और अपने पिता के सामने इस सपन का जब यूसुफ ने जिक्र किया तो उसके पिता इजराइल ने उसको डांटा और कहा कि ये के सपना देख लिया था ना, क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के तुझे दंडवत करेंगे? तो उसका बाबू बोले, इसका ये मतलब होगा कि सब भाई, हम तेरी माँ और हम सब भाई और मैं सारे मिल के तेरे को भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। और उसके भाई उससे डा करते थे और उसके भाई उससे चिढ़ने लगे थे, नफरत करने लगे थे, जलने लगे थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को समझ रखा। और फिलहाल है के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूसुफ का बेचा जाना। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की जय हिंद।